आखिर में आ, इस मंच से भारत के लिए क्या कहेंगे आप जो नया भारत है जिस नए भारत की आप बात कर रहे हैं क्या आइडिया है? मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज अ आइडिया कम और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा यही वक्त है सही वक्त है मैं उसको देख पा रहा हूं देश जिस गति से बदल रहा है और जियोपॉलिटिक्स में जिस प्रकार के अवसर हमारे देश को आज मिल रहे हैं मैं ऐसा मानता हूं कि इस वक्त को अगर हमने गवाया तो विकसित भारत का सपना हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे और महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूं देखिए जिस समय पांच साल में मुख्यमंत्री था हम लोग महाराष्ट्र में एफ में नंबर वन रहे निवेश में नंबर वन रहे बीच में ढाई साल दूसरी सरकार थी तो तीसरे चौथे नंबर पर गए वापिस सरकार में आए तो हम नंबर वन हुए क्योंकि गुड गवर्नेंस ये एक ऐसी चीज है कि अगर हम उसको कायम रखें तो हमको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है मैं एक ऐसा भारत अगले पांच साल में देख रहा हूँ जो ऑटो पायलट मोड पे जाने वाला है इसको कोई रोक नहीं सकता भारत की यात्रा को रोकना असंभव है मोदी जी का नेतृत्व इस प्रकार से भारत को तैयार कर रहा है आज हम फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करते हैं लेकिन दुनिया कहती है कि ये फाइव ट्रिलियन नहीं ये नाइन ट्रिलियन पे जा रहे हैं आज महाराष्ट्र जैसा राज्य ये विचार करता है कि हम ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर जाए और हमने जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की थी इस काउंसिल ने हम लोगों को एक रोड मैप दिया कि हम दो हजार तक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कैसे बनाए इसका मतलब ये होगा कि दुनिया के सबनेशनल uh, इकोनॉमीज में ये तीसरी चौथी इकोनॉमी होगी जो ट्रिलियन डॉलर होगी जी तो मुझे लगता है कि ये सारी संभावनाएं दिख रही है और साथ में मैं ये मानता हूं कि ये जो विकास है ये संवेदना के साथ विकास है क्योंकि ये मुठ्ठी भर लोगों का विकास नहीं है ये जीडीपी ग्रोथ मुठ्ठी भर लोग नहीं रह रहे ये जो जीडीपी ग्रोथ आ रही है ये गरीबों के जीवन में परिवर्तन करके आ रही है गरीबों को मकान मिल रहे हैं गरीबों को शौचालय मिल रहे हैं गरीबों के घर पानी पहुंच रहा है गरीबों के घर बिजली पहुंच रही है गरीबों का अवसर मिल रहे है इसके कारण अर्थव्यवस्था का चक्र घूम रहा है तो एक समावेशी विकास की जो हम बात करते थे वो विकास भारत में हो रहा है पच्चीस करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आना मैं ऐसा मानता हूं वर्ल्ड का रिकॉर्ड है विश्व का रिकॉर्ड है जो मोदी जी के राज में हुआ है तो मैं मानता हूं और सब लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए ये जो अवसर हमको मिला है ये देश में ऐसा अवसर किसी जनरेशन को नहीं मिला है अगर हम लोग इस अवसर को फेल करेंगे तो हमारी जनरेशन फेल जनरेशन कहलाएगी और मेरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में ये जनरेशन इतिहास करने वाली है और ये आने वाले पांच साल जो है मोदी जी के ये इतिहास लिखने वाले हैं मैं 2029 में आपके साथ इस मंच पर जब बैठा जी तो आज तो बदला हुआ भारत देख रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बदला हुआ इससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और दुनिया जिस भारत का सानी मानती है ऐसा भारत 2029 में आपके साथ साझा करूंगा